करते हुए विधानसभा से बड़ी खबर है, जहां पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की मांग की जा रही है। विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। अमित चाचान का विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया। बिजली पर त्राहिमाम कर रही जनता। अमित चाचान की ओर से ये बयान सामने आए हैं। 20 घंटे तक राज्य में बिजली कटौती हो रही, गांव अंधेरे में डूबे हैं और फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। तो फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की बात पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिससे आज 15 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। हर आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने वो कर दिया। तो पूर्ववर्ती सरकार ने तो प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया था, फिर आपने उस राहत देने वाली उस योजना को बंद करने का कैसे काम किया। हम आज पूरे सदन के माध्यम से इस भारतीय पार्टी की सरकार की निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं, दे प्रदेश के अंतिम छोर पे बैठे आम जन किसान मजदूर को उचित बिजली दी जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन या कर सके। ये प्रदेश की जनता, पूरे देश की, प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की कई इंजनों की सरकार कर रही है और अब प्रदेश की जनता ने यह कह दिया कई इंजनों से ज्यादा। बैठिए, हो गया टाइम, टाइम हो गया, 2 मिनट के 4 मिनट हो गए। श्रीमती गीता बर्मन, श्रीमती गीता बर्मन, फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा रहे, फ्यूल सरचार्ज वापस करवाओ। अध्यक्ष जी, सरकार को निर्देश दो कि गरीबों की ये मुख्य चाचा ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गीता चाचा, श्री ललित यादव, श्री ललित यादव बोलना शुरू करो। श्री भूपेंद्र सिंह कुन्नर, मैं 28% कमा रही है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूंगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। माननीय, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि इस प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, एक नंबर। दूसरा, आपने टोंक में एक कार्यक्रम में आपने कहा कि कांग्रेस का जो एमओयू गलत हो गया उसके कारण 900 लाख यूनिट हम बैंकिंग के जरिए वापस दे रहे हैं, और उससे अगले दिन आपने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा प्रेस में कि हम 147 लाख यूनिट वापस कर रहे हैं। तो आपके दोनों बयान के अंदर लाखों यूनिट का अंतर है, ये एक आप क्लियर आप करा दें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस के समय के सारे एमओयू कैंसिल कर रहे हैं तो ये एमओयू कैंसिल करके किसान को और आम जनता को बिजली नहीं दे सकते आप, इसके बारे। और एक और बड़ी खबर है, मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उन्होंने बीएपी के लेकर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीएपी लोगों को भ्रमित कर रही है, किसी भी सूरत में भील प्रदेश नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि बीएपी को गुजरात एमपी में सफलता नहीं मिलेगी, बीएपी ज्यादा दिन तक लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगी। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार आदेश जारी करता है और उसके बाद होता है, वैसे तो उनके कहने से नहीं हो सकता है। 4 राज्यों के 49 जिलों को शामिल करने का इन्होंने पूरा मैप तक बना रखा है। ऐसा है कि इन्होंने अभी मानगढ़ पे कार्यक्रम किया, ये क्या कि लाखों लोग लाएंगे, लेकिन वहाँ संख्या जितनी थी तो पूरा प्रोत्सव कार्यक्रम था। आगे क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे और अच्छा समर्थन मिल गया तो भील प्रदेश तो बहुत जल्दी आ जाएगा। चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता लोकतंत्र में, लड़े मना भी नहीं है, लेकिन भील प्रदेश बनाएंगे ही ये कोई गारंटी नहीं है। क्या जनता का समर्थन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में तो मिल रहा है। नहीं नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। मैं डूंगरपुर पास वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी लोग नहीं चाहते।
भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा ने भी बड़ा बयान दिया, कहा गुंडागर्दी और आतंक बीएपी फैलाने का काम करती है। फूल सिंह मीणा ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि वागड़ में मौताने की राजनीति भी बीएपी की ओर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को उकसाना और भड़काने का काम किया जा रहा है। बाप को वागड़ के विकास से कोई सरोकार नहीं, भील प्रदेश बने या ना बने वो अलग बात है। उन्होंने कहा मेरे साथ बीएपी कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार भी किया, और क्या कुछ कहा सुनिए। उनको नॉलेज ही नहीं है, आज आपके माध्यम से आपने पूछ लिया तो बताना चाहता हूं कि एक डेथ हो गई, उसके लिए मेरे को कह रहे हैं कि आप विधायक फंड से इनको पैसे दो। अब विधायक फंड का मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपको पता नहीं है विधायक फंड विकास के लिए लगता है और कलेक्ट्री से मंजूर होता है और उसकी सारी रिकॉर्ड होती है, मेरी जेब से नहीं देता हूं, तो उसको एक एक बोला कि जेब से देने की बात कैसे गई। तो मैंने कहा यार कानून के बारे में आपका जो राजकुमार जी रोहत है उसको आप पूछ लो कि विधायक फंड इसे ऐसे मुद्दे में अपन दे सकते हैं क्या, तो वो उल्टा और मेरे पे चढ़ गए, उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। और अगली खबर दौसा से है, जहां पर बजरी माफिया बेलगाम हो चुके हैं। परिवहन इंस्पेक्टर से बदतमीजी की गई, चालान बुक और कैश से भरा सूटकेस भी छीन लिया, 1,34,000 की राजस्व राशि की लूट भी की गई। माफिया ने अवैध बजरी से भरे डंपर को भी छुड़ा लिया, परिवहन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारने के भी आरोप लगे। तस्वीरें देखिए प्रदेश में किस तरीके से माफिया बेलगाम हो गए हैं, उसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर परिवहन इंस्पेक्टर ने लालसोट थाने में पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बजरी माफिया इतने बेलगाम कैसे हो गए, 1,34,000 के राजस्व राशि की भी लूटपाट की गई, माफिया ने अवैध बजरी से भरे डंपर को भी छुड़ा लिया। बजरी माफिया के हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं और इतने उनके हौसले बुलंद है कि कई पुलिस कर्मियों और परिवहन कर्मियों और राजकीय कर्मियों की हत्या वो कर चुके हैं, एवं आज उन्होंने फिर मेरी हत्या का प्रयास किया क्योंकि मैंने अवैध बजरी से भरे दो ओवरलोड डंपरों को चालान बनाकर जब्त करने की तैयारी कर ली थी। इस पर भारी मात्रा में बजरी माफिया बिना नंबर के कारों में इकट्ठे होकर आए और उन्होंने मुझे चांद से मारने का प्रयास किया व सरकारी संपत्ति की लूट करी। मेरी चालान बुक, रसीद बुक व कैश से भरी अटैची भी वो लोग उठा कर ले गए। चूरू से इस बीच बड़ी खबर है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मास्टरमाइंड यूनिक भांबू की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा है। चूरू के पूनिया कॉलोनी में संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, मास्टरमाइंड यूनिक भांबू फरार चल रहा है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। जो पेपर लीक माफिया फरार चल रहे हैं उनके अवैध संपत्तियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। कार्रवाई की एक और तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, यूनिक भांबू की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा है, पीला पंजा चलाते हुए संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं जालौर के भिनमाल से खबर है, जहां पर युवती से 19,20,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवती के सोशल मीडिया फ्रेंड ने ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 2 साल पहले युवती के आरोपी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। आरोपी ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। आरोपी ने निजी जरूरतों का हवाला देकर युवती से अलग अलग कुल 19,20,000 रुपए ऐंठ लिए। युवती को ठगी का एहसास हुआ तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुजरात से आरोपी उमराव खान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। 11/7/2024 को प्यारी वाइफ ऑफ अरविंद जाति बिश्नोई निवासी भिनमाल ने एक रिपोर्ट पेश की कि 2022 से सचिन अतुलकर आईपीएस की फ्रॉड आईपीएस बनके मेरे साथ में फ्रॉड करके आज तक 19,20,000 रुपए हड़प किए हैं। रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है, गलतापीठ से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस समीर जैन की ने याचिका लगाई थी और उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य के महंत के पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी। गलता पीठ की संपत्तियों का बेचान भी रद्द किया गया। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने याचिकाएं खारिज की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गलता पीठ मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस समीर जैन ने जो याचिकाएं लगाई थी उन्हें हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य के महंत के पद पर नियुक्ति भी निरस्त कर दी है और गलता पीठ की संपत्तियों का बेचान भी रद्द किया गया। तो वहीं उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरिया नाल सुरंग से करीब 6 किलोमीटर पहले लंबी ढलान में गोगुंदा की ओर जा रहे ट्रक के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के साथ ही गियर बॉक्स फट गया और वो तकरीबन 6 किलोमीटर तक अनियंत्रित रूप से हाईवे पर दौड़ता रहा। ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार ने इस खतरनाक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस भयावह स्थिति में ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। अगली बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। JNVU केंद्रीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन चुनाव करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। मांगों को लेकर मेन गेट के बाहर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती चली जा रही है। लगातार अलग अलग संगठनों की ओर से इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर प्रदर्शन जारी है और पुलिस जाब्ता भी तैनात है ताकि वहां पर व्यवस्थाएं खराब ना होने पाए। तो लगातार छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और दोबारा से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं झुंझुनू के खेतड़ी और सिंघाना में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। देर रात देवता तातीजा में अरावली की पहाड़ी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मौके से जब्त की गई JCB और ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। सिंघाना थाना क्षेत्र के कुठानिया के पास वन विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर उन्हें रोका गया। खनन माफिया ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए रेंजर मुकेश मीणा को गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की। घटना की सूचना पर खेतड़ी नगर और सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर जांच पड़ताल शुरू की गई। मिले कि देवता में खनन हो रहा है, तो हम वहाँ पे आए तो वहाँ पे देखा वो खनन कर रहे थे, जिसमें शीशराम जी वो जो अपराधी था, आतंक अपराधी, वो वहाँ पे खनन JCP से खनन कर रहा था। आगे ट्रैक्टर भरा हुआ था। उसके बाद में हम जैसे रोकने गए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे, तो वो ऊपर JCP चढ़ाने का प्रयास किया, हमारे स्टाफ के साथ मारापीटी की। वहाँ से जैसे तैसे हम जान बचा के थोड़ी दूर आगे आए, तो हमारे स्टाफ के साथ आगे कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद उन्होंने सुनियोजित तरीके से कम 8-10 जनों में अच्छे से हमला किया। हमारे उसके जो स्टाफ के इस गाड़ी तोड़ दी, सरकारी गाड़ी को वहाँ बीच में रख लिया, उसके साथ तोड़ फोड़ कर दी। खबर चित्तौड़गढ़ से, जिले के रावत भाटा में आज 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। झगड़े में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल रावत भाटा क्षेत्र के रेनखेड़ा गांव में नाता विवाह को लेकर एक ही समाज के 2 गुटों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। झगड़े की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया। अगली खबर राजसमंद के नाथद्वारा से, जहां पर जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से सराफा बाजार में साइकिल सहित युवक बह गया। लोगों ने बहते हुए युवक को बचा लिया। वहीं तेलीपुरा मार्ग बारिश के बाद से दरिया बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए, बेहद खौफनाक मंजर राजसमंद के नाथद्वारा से, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गए। एक युवक अपने साइकिल के साथ इस तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हालांकि राहत की बात ये रही कि लोगों ने युवक की जान बचा ली।
तो ये तस्वीरें खौफनाक हैं और सजग करने वाले भी, आपको सचेत रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में लगभग हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नेम प्लेट को लेकर लगातार राजनीति जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट को लेकर याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। नेम प्लेट को लेकर विवाद चला रहा है, इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है और साथ ही साथ अब कहना यह है कि अन्य प्रदेश भी इसे लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। कावड़ यात्रा के जो रूट है वहां पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे में इसे लेकर विपक्ष लगातार एतराज जता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका दाखिल की गई उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, नोटिस जारी किया गया है नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। तो नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा था उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि उत्तराखंड में भी ये नोटिस जारी किया गया है। तो कावड़ रूट पर आपको अपना नाम भी लिखना होगा, मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। इसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसे गलत बता रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, जहां पर याचिका का कर्ता का कहना है कि नेम प्लेट लगाने के जो आदेश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से वो ठीक नहीं है, इस आदेश को वापस लिया जाए। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर है, इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है, बयानबाजियां भी की जा रही हैं और मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दे दी है और नोटिस जारी किया गया है। नेम प्लेट विवाद से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेम प्लेट के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आखिर नेम प्लेट की जरूरत क्यों है, ये सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसमें सरकार को जवाब देना होगा कि नेम प्लेट के लिए आदेश क्यों जारी किए गए, इससे क्या होगा अगर लोग अपना नाम लिखते हैं, और इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। तो नेम प्लेट विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेम प्लेट को लेकर विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है और इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। कावड़ यात्रा के जो रूट हैं अलग अलग, वहां पर जो लोग दुकान लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिखने के आदेश जारी किए गए हैं। अपना धर्म आप नहीं छिपा सकते, अपने धर्म के हिसाब से आपको नाम लिखना होगा और इसी को लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर टिप्पणी की है, वेजिटेरियन के साथ क्या धोखा किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है नेम प्लेट विवाद को लेकर और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सरकार से जवाब देने को कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेम प्लेट विवाद से जुड़ी, जहां पर योगी सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई, आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई है। तो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आज सुनवाई की और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र में परसा का बास, माधोगढ़ नटनी का बारा क्षेत्र में रात करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी जमा हो गया। पिछले एक सप्ताह से अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था, तो वहीं किसानों की रबी की फसलें भी सूख रही थी। लेकिन बीती रात 10 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात के 1 बजे तक चलता रहा और बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया।
अगली खबर भरतपुर से, जहां पर लोग लगातार पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। यहां लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। अगर पानी नहीं पहुंच रहा तो लोग कैसे जिएंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर पानी पहुंच भी रहा है तो वो भी काफी गंदा है। लोगों का कहना है कि लगातार अधिकारियों से मामले पर शिकायत की गई, बावजूद इसके सुनवाई नहीं होती। पानी की समस्या को लेकर लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जगह जगह इस तरह के हालात हैं कि जो पानी है वो या तो गंदा बदबूदार आ रहा है या फिर समय पर नहीं आ रहा है। इसको लेकर के जो लोग हैं वो लगातार दफ्तरों में शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और उन्हें वहां से झूठा आश्वासन देकर के लौटा दिया जाता है। लंबे समय से इस समस्या को लेकर के लोग परेशान हैं। क्या समस्या है आपकी? सर, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी रात को 3 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी आता ही नहीं है। और हमेशा जब भी पानी आता है गंदा पानी आता है, और गंदे पानी से बच्चे बूढ़े सभी बीमार हो रहे हैं, बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। AEN JEE को शिकायत करने जाओ तो वो झूठा आश्वासन देकर हमें भेज देते हैं कि हाँ बस पानी आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी कर्मचारी अपने समय पर काम नहीं करता है, सिर्फ गंदा पानी हमेशा आ रहा है। और 50 साल पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, जिन लाइनों को जिज्जड़ हुए मतलब जंग लग छा चुकी है, उनमें गंदा पानी डसेगा डसेगा और आना है, और सभी बूढ़े बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी को पी के। हम लोग क्या करें, हमारी शिकायत कहाँ तक पहुँचाएं, किसको सुने? हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। इससे भी कहो झूठा आश्वासन देने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। और करीब 20 साल से समस्या है मेरे देखते हुए, पानी कोई टाइम टेबल नहीं है कोई भी पानी का। कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट, दूसरी जगह देते हैं 1 घंटे सप्लाई, हमारी तरफ देते हैं 30 मिनट या 40 मिनट। JEE साहब को शिकायत करते हैं, पूछते हैं एक्शन साहब का नंबर दे दो, एक्शन साहब का नंबर नहीं है। AEN साहब का नंबर मांगते हैं, AEN साहब का नंबर नहीं देते, इसलिए परेशान हो गए। आज आपके माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं। तो टाइम टेबल पानी का बिल्कुल भी सही नहीं है, करीबन 50 साल। और करेंगे अगली खबर का। सावन के पहले सोमवार को देश के मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अर्धकाशी के रूप में पहचाने जाने वाले माउंट आबू के अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर में भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इस मंदिर में सावन के पहले सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ है। सिरोही जिले में ऋषि वशिष्ठ की तपस्थली माउंट आबू के अचलगढ़ में बना ये है अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के इतिहास में कई बड़े रहस्य छिपे हैं। आपने भगवान शिव के कई चमत्कारिक मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन अचलेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल अनूठा है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे के स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत को स्वयं महादेव ने अपने दाहिने अंगूठे से थाम रखा है। इंद्रदेव के वध से ये धरती रेगिस्तान का खड्डा हो गया था। आश्रम में नंदिनी गाय रहती थी, वो उनको मालूम नहीं था खड्डा था, वो रोज गिर जाती थी खड्डे में। जब देवी सरस्वती को वहाँ बुलाई, देवी सरस्वती कहने लगी, ऋषि मैंने गाय तो निकाली है और मुझे ऋषि भृगु का श्राप है, इसलिए मुझे धरती पे ही रहना पड़ेगा। तब पशु जी ने एक श्राप मुक्त की, जो आज भी कहीं भी टाइम में जाके देखो माँ सरस्वती। माउंट आबू का अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। दरअसल भगवान शिव के अंगूठे के निशान मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है कि आज भी एक रहस्य है। माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा गया है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के छोटे बड़े 108 मंदिर हैं। अर्बुद पर्वत वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अचल किया गया, जो काशी विश्वनाथ का अंगूठा अचलेश्वर महादेव है, उनके अधीन पूरे माँ अर्बुदा के अधीन पूरा आबू पर्वत विराजमान है और इनमें 108 शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से ही सभी मनोकामना पूरी हो जाती है।
बताया जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ बहुत बड़ी खाई थी जिसमें ऋषियों की गाय गिर जाती थी। तब देवताओं के आग्रह पर खाई को पाटने के लिए अर्बुद नाग के पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, लेकिन अर्बुद को इस बात का घमंड होने लगा। तब अर्बुद नाग का घमंड तोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ ने अपने अंगूठे से इस अर्बुदांचल पर्वत को स्थिर किया था। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में शिव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। सिरोही से न्यूज 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।